नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाई, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है सोलर पैनल जो कि सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सोलर पैनल आप कैसे लगवा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कितना खर्चा आता है, क्या सब्सिडी मिलती है और ये कितने लंबे समय तक चलता है। तो सब कुछ जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो आप इस सोलर पैनल देख रहे हैं, इसको जो लगवाने का टोटल खर्चा आता है वो 2,60,000 रुपये होता है, जिसमें कि 1,60,000 रुपये जो है वो आपको सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, यानी अनुदान दिया जाता है, और बाकी का जो 1,10,000 रुपये है वो आपको देना होता है। किसान भाइयों, इसमें जो 2,60,000 रुपये है, इसमें जो ज़मीन पर जो बोर करवाना होता है वो आपको अलग से करवाना होता है, यानी बोर करवाने के बाद से 2,60,000 रुपये का खर्चा आता है। उस 2,60,000 रुपये में आपको ये पैनल जो आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी लंबा है, ये सोलर पैनल मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मोटर 5 हॉर्स पावर की मिलती है, और जो 5 हॉर्स पावर की मोटर है वो 150 फीट नीचे जो है वो पानी निकालने की क्षमता रखती है। तो जो सोलर पैनल है, इससे जो करंट है वो निकलता है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है जो कि पावर बॉक्स होता है, वहाँ पे ऑन करने का, ऑफ करने का, या फिर जो बोर्ड है उसमें करंट ऑन ऑफ करने का, और जो मेन बोर्ड है वहाँ से करंट काटने का भी विकल्प होता है। और वहाँ पर जो करंट है वो जाता है बोर में, जहाँ की आपको 5 हॉर्स पावर का जो मोटर है वो दिखाई देता है, जो कि अंदर इनबिल्ड होता है, तो वहाँ पे करंट जाता है और उधर से पानी निकलता है। ये बहुत ही मतलब सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो इंजन होता है उसमें पंखा लगा होता है, पंखे के थ्रू पानी निकलता है, वैसे ही यहाँ पे जो मोटर है उसके थ्रू पानी निकलता है। तो ये सोलर पैनल जो है, यहाँ से करंट जाता है पावर बॉक्स में, पावर बॉक्स में स्विच ऑन करने का, ऑफ करने का, और बॉक्स में जो करंट है उसको बंद करने का और चालू करने का ऑप्शन होता है। बॉक्स से जो करंट है वो जाता है बोर में, और बोर में 5 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है जो कि पानी निकालती है। किसान भाइयों, जो 5 हॉर्स पावर की मोटर है, इसको 150 फीट से ये नीचे जो है, यानी 150 फीट के नीचे से ये पानी निकाल सकती है। और अगर हम बात करें जो सोलर पैनल है ये कब से कब तक चलता है, तो सुबह 8 बजे से जो सूर्य की किरण है जब इस पर पड़ने लगती है तो तब से ये शुरू हो जाता है, और आप इसको 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक चला सकते हैं। एक बार आपका खर्चा होता है लगवाने का, और उसके बाद आप इससे आज सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक लगातार सिंचाई कर सकते हैं। जब सूरज निकलेगा आप तब सिंचाई करेंगे। एक बार आपने पैसा दिया, आपने सोलर लगवा लिया, उसके बाद जो है आपको कोई और खर्चा नहीं करना होता है। किसान भाई, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है लगवाने का। आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरना होता है, और अपने जो कृषि विभाग है, जो आपका ब्लॉक है, वहाँ पे जा कर के आपको देना होता है, और उसके बाद वो आते हैं, इसको सत्यापित करते हैं कि क्या आप इसके एक उचित पात्र हैं। अगर आप इसके एक उचित पात्र हैं तो जो ब्लॉक के अधिकारी होते हैं वो आपके यहाँ आते हैं, इसका सर्वे करते हैं, और उसके बाद जो है आपका पास हो जाता है कि आप इसको लगवा सकते हैं। तो 1,10,000 रुपये जो है वो आप जा कर के अकाउंट में जमा करेंगे, और बाकी की जो 1,60,000 रुपये की सब्सिडी है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, यानी जो ये सोलर पैनल लगा हुआ है ये उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसमें 50% का सब्सिडी देगी, और 50% जो है वो दिल्ली सरकार यानी केंद्र सरकार देती है। किसान भाई, अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो जो इसका बोर है वो 2 इंच का होता है, और अगर हम इंजन की बात करें, जैसे जो 8 से 10 हॉर्स पावर का इंजन होता है उसमें 3 से 3.5 इंच का बोर होता है, लेकिन इसमें जो पाइप है आपको 2 इंच की देखने को मिलती है। और सोलर पैनल की जो योजना है इसके अंतर्गत आप अधिकतम 200 फीट की ज़मीन से जो पानी निकालते हैं वहाँ पर आप इसको लगवा सकते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर आप किसी भी राज्य से हैं, तो आप अपने राज्य में किस तरीके से नियम चलता है आप पता कर सकते हैं, और जो सोलर पैनल है उसको लगवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।